धार जिले में क्राइम ब्रांच धार एवं थाना मनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के नियत से घूम रहे आरोपी पिस्टल सहित गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना मनावर एवं थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट, चोरी व नकबजनी की कुल 6 वारदातों का खुलासा हुआ। एक आरोपी सहित लूट, चोरी व नकबजनी का माल खरीदने वाला सेठ भी गिरफ्तार हुआ है। फरार आरोपी एवं सेठ के कब्जे से 1.25 किलो चांदी के आभूषण एवं सैमसंग का मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कुल कीमत 2 लाख का माल जब्त हुआ है। धार जिले में चोरी, लूट व डकैती की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला धार आदित्य प्रताप सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में समस्त CSP, SDOP थाना प्रभारियों के साथ क्राइम ब्रांच धार प्रभारी को लगाया गया था। क्राइम ब्रांच धार प्रभारी संतोष पांडे को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिससे जांच में पुलिस को सफलता मिली है। धार से राजेंद्र बघेल की रिपोर्ट। आज धार पुलिस ने इसमें क्राइम ब्रांच धार और थाना मनावर संयुक्त कार्रवाई में एक जितेंद्र पिता अमर सिंह जाति विद्याला निवासी बरखेड़ा थाना बाग को गिरफ्तार किया है। और इसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे इसका 6 पूर्व के अपराधों में इन्वॉल्वमेंट होना पाया गया। उन 6 अपराधों में 2 लूट के अपराध और 4 चोरी के अपराध हैं। और इसमें एक सेंसेशनल क्राइम सिंघाना में हुआ था, जहाँ एक बुजुर्ग दंपति के घर में उसके जो है इनके द्वारा लूट डकैती की गई थी। और इससे इसके जो 6 साथी हैं जो बोरडाबरा गांव में रहने वाले हैं, उनका नाम निकल के आया है, जिसमें भड़क सिंह, दिनेश, उड़िया, वाकड़िया, दीपू और इंडिया नाम के लोग हैं। और इससे जो 6 मामले हैं, उन 6 मामलों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।